हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा मॉर्निंग रूटीन विथ माय 1 ईयर ओल्ड बेबी एंड माय हस्बैंड। मेरे दिन की शुरुआत यूजुअली हमेशा मेरी बेबी करती है। मैं एक मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, सो इट इज़ ऑलवेज माय बेबी हु वेक्स मी अप। सो वंस वी आर अप, जो सबसे पहले चीज़ मैं करती हूँ जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सुबह उठते से ही सबसे पहले मुझे चाय पीनी होती है। और यहाँ पर क्योंकि इसके पापा रेडी हो रहे हैं और इसको बाहर लेके जाने के लिए, तो मैं इसको गोद में ही उठाकर अभी चाय बना रही हूँ अपने लिए। और इसके बाद ये और इसके पापा यूजुअली थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, तो उसका मूड थोड़ा सही रहता है। यहाँ पर मैं जस्ट उनको वेव कर रही हूँ ताकि मैं अपने दिन की शुरुआत कर सकूँ। सो चाय पीने से पहले ऑब्वियसली आई नीड टू ब्रश माई टीथ, और जो भी बाथरूम के जो बाकी एक्टिविटीज़ होते हैं वो मैंने ऑलरेडी कर लिए हैं, जो कि मैं ऑब्वियसली कैमरा पे शेयर नहीं करूँगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, तो सुबह सुबह मेरा मूड कुछ ज़्यादा सही नहीं होता है। बट बेबी होने के बाद से मैं ट्राई करती हूँ, बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि अपने आप को थोड़ा सा काम रखूँ, लेकिन आई विल नॉट लाई, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि आई डोंट हैव एनी हेल्प विथ मी। वंस माई हस्बैंड गोज़ टू वर्क, इट इज़ ऑल मी हुज़ यू नो हैंडलिंग द बेबी द एंटायर डे। तो यहाँ पर मेरी चाय बॉयल हो चुकी है और मैं अब इसमें से इसमें थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ फ्रिज में से निकाल कर, और बस अपनी जो दिन के बाकी काम है वो अभी मुझे यहाँ पर शुरू करने हैं। लेकिन उससे पहले मुझे एलर्जी है, आई हैव एलर्जिक राइनाइटिस, तो मैं गर्म पानी पीती हूँ। यहाँ बालकनी में हमने रिसेंटली ये प्लांट्स लगाए हैं। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे बालकनी में बहुत सारे प्लांट्स हों और मैं बालकनी को बहुत अच्छे से डेकोर करूँ। यहाँ पर मैंने कुछ दाल और राइस रखा है। ये क्यों रखा है ये मैं आपको अगली क्लिप में दिखाऊंगी कुछ मिनट्स के बाद। तो बस मौसम बहुत सही था और मेरे प्लांट्स देखकर मुझे मॉर्निंग में बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि इससे भी ज़्यादा और प्लांट्स मैं लगाऊँ, लेकिन एज ऑफ नाउ बस अभी इतने ही हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी बालकनी पूरी तरीके से भर जाए ग्रीनरी और फ्लावर्स से। सो यहाँ पर मैं अपना वार्म वाटर पी रही हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है, ना लेमन ना कुछ ना कुछ, बस वार्म वाटर है और चाय। ये रणवीर ब्रार की एक रेसिपी बुक है जो कि मैं मॉर्निंग में पढ़ रही हूँ, जस्ट फॉर सम इंस्पिरेशन एंड आइडियाज़। ऑनेस्टली बोलूँ तो इसको पढ़ने के बाद कुछ इंग्रेडिएंट्स मैंने देखे जो कि मेरे बिल्कुल ही दिमाग के बाहर थे, मुझे पता भी नहीं वो क्या होते हैं, तो मैंने वो बुक रख दी। चाय ख़त्म करने के बाद मैं बस डेली चोर्स अपने शुरू कर रही हूँ। यहाँ पर कितना भी कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा सोचती हूँ कि प्रीवियस नाइट मैं सारे के सारे जो बर्तन हैं वो वॉश करके रख दूँगी, लेकिन यू नो बेबीज़ के टाइमिंग्स इतने अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर, ये मैंने रिसेंटली अमेजोन से ख़रीदा जो कि बहुत अच्छा है राइस और दाल को वॉश करने के लिए। ये कुछ ग्रोसरी का सामान जो हॉल में पड़ा हुआ था इसको मैं अपनी जगह पर रख रही हूँ, और बेबी के बॉटल मैं यहाँ पर अभी वॉश कर रही हूँ। अगर आपके घर में बेबी है या बच्चे हैं तो आपको पता होगा कि बेबीज़ के बॉटल्स को हमेशा स्टरलाइज करना होता है। आई हैव अ वेरी नाइस फिलिप्स का स्टीमर एंड स्टरलाइज़र जो कि बहुत हेल्पफुल हो जाता है। मम्मी के यहाँ पे जब मैं रहती हूँ तो फिर वहाँ पर मुझे यू नो एक पतीले में उसको बॉयल करना पड़ता है, जो कि रिस्की भी होता है, बर्तन भी काफ़ी लगते हैं और बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, बट दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। इसको बस ऑन कर देना और ये टाइमर है, तो जैसे ही ये ऑफ़ पर चला जाएगा तो स्टीमिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मेरे हस्बैंड और मेरी बेबी आ चुके हैं बाहर घूमकर थोड़ा सा, तो अब इट इज़ टाइम फॉर माय सेकंड कप ऑफ टी, क्योंकि दिन में मुझे 2 कप चाय लगते ही है सुबह सुबह। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मुझे एलर्जिक राइनाइटिस है, साइनस भी है थोड़ा सा, तो चाय नहीं पीती हूँ तो मेरे को हेडेक हो जाता है। तो यहाँ पर हम दोनों की चाय रेडी है और मैं ट्राई कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ कि मैं बेबी को बनाना खिलाऊँ यहाँ पर, लेकिन आप देख सकते हो कि उसका बिल्कुल भी मूड नहीं है, उसको सिर्फ खेलना है। तो वो प्लान तो फ्लॉप हो गया, तो बचा हुआ जो बनाना था उसका मैं भी यहाँ पर पैनकेक्स बना रही हूँ उसके लिए, एंड आई विल ट्राई टू फीड दैट टू हर। हम भी थोड़ा सा खा लेंगे क्योंकि और कुछ तो ब्रेकफास्ट में है नहीं आज। तो यहाँ पर मैंने बस जो बचा हुआ बनाना था उसको मैश कर लिया है, गेहूँ का आटा लिया है मैंने थोड़ा सा, उसमें मैश्ड बनाना को मैंने ऐड कर दिया है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी इसको मैंने इसमें डाल दिया है कंसिस्टेंसी इसको नॉर्मल करने के लिए, और एक नॉनस्टिक पैन पर हम इसको बनाएंगे। बनाने से पहले मैंने इवन इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया हुआ है, ये घी लगा रही हूँ मैं पैन के ऊपर।
ये बहुत ही इजी रेसिपी है और इसमें एग भी नहीं पड़ता है। सो दिस इज़ एगलेस पैनकेक। हम ऐसा नहीं है कि हम एग्स नहीं खाते हैं, हम नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन बस थोड़ा एक इसको अच्छा बनाने के लिए आपको हमेशा एग डालना ही चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं, आप चाहे तो डाल भी सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला था। इसमें सिर्फ गेहूं का आटा और बनाना, थोड़ा सा अगर आप चाहे तो सॉल्ट एंड शुगर ऐड कर सकते हैं इफ़ योर बेबी इज़ ऑब्वियसली ओल्डर देन वन ईयर। अगर एक साल से छोटा आपका बेबी है तो फिर प्लीज़ इसमें सॉल्ट और शुगर बिल्कुल भी मत डालिएगा। तो तीन बना पैनकेक्स बन चुके हैं और चौथा वाला मैंने बनाने के लिए डाल दिया है, लेकिन जब तक ये बन रहा है मैं अपने बाकी के काम कर लेती हूँ। बर्तन जो सूखने के लिए रखे हुए थे उसको अपनी जगह पे रख दूँगी मैं अभी, क्योंकि मुझे पता है कि एक बार जब मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाएंगे और वो होटल में जॉब करते हैं, तो फिर वो वहाँ पर जब एक बार चले जाएंगे तो वो डायरेक्टली शाम को ही आएंगे। बहुत मुश्किल से उनको दोपहर को आने का टाइम मिलता है और मुझे पता है कि अभी इंटायर डे मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगी। जो भी मैं प्लान करती हूँ मैं ये करूँगी वो करूँगी, वैसा कुछ नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेबी के टाइमिंग्स और उनके मूड्स बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, तो बर्तन मैं अपनी अपनी जगह पर रख रही हूँ, उसको सुखा के, जो नहीं सूखे हैं उसको मैं कपड़े से अच्छे से पोंछ के रख दूँगी। ये हमारा रेंटेड हाउस है तो आप देख सकते हैं कि ओवरहेड कैबिनेट्स नहीं है यहाँ पर, तो मैंने सिर्फ ग्लास शेल्फ लगाए हुए हैं सो दैट और भी थोड़ा इजी हो जाए सामान रखने के लिए। बेबी बिल्कुल भी अपने पापा के पास रह नहीं रही थी, सो ऑब्वियसली मैंने उसको दोबारा अपनी गोद में उठा लिया है। उसको बहुत अच्छा लगता है किचन में टाइम स्पेंड करना, इसने अपनी नानी से ये सीखा है, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला यहाँ पर मुझे हेल्प करने के लिए। मेरे हस्बैंड वैसे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये पैनकेक्स यहाँ पर रेडी है। ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो बेबी ने नहीं खाया, उसको हमने ही खा लिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम तीनों भी रेडी हो चुके हैं ऑलरेडी। मैंने वो ऑब्वियसली फिल्म नहीं किया है और ना ही मेरे लिए पॉसिबल है। जो कि मैंने दाल और चावल दिखाए थे वो आपने प्रीवियस क्लिप में देखा कि वो कबूतर आके खा रहे थे। अब बेबी सो गई है, मेरे हस्बैंड भी काम पर जा चुके हैं, बेबी सो रही है और लेकिन घर के काम करने हैं, तो फिर मैं ये जो बेबी मॉनिटर है मेरा इसको ऑन कर दूँगी। और ये बेबी मॉनिटर अगर आपके पास नहीं है और आपके घर में बेबी है या छोटे बच्चे हैं, आई हाईली 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 रिकमेंड अ बेबी मॉनिटर, बिकॉज इट इज़ सो इजी, सो इम्पॉर्टेंट, सो हेल्पफुल, आई कैन नॉट इवन टेल यू इन वर्ड्स। देखिए इस रूम में बेबी सो रही है लेकिन मैं किचन में अपना काम कर सकती हूँ एकदम बेफिक्र होकर, क्योंकि मैं स्क्रीन में उसको कंटिन्यूसली देखती रहूँगी। दोबारा कितना भी आप काम कर लो बर्तन निकल ही आते हैं। जो सेकेंड कप ऑफ़ टी हमने पी थी, यानी मैंने सेकेंड कप ऑफ़ टी, मेरे हस्बैंड ने ऑब्वियसली फर्स्ट कप ऑफ़ टी जो पी थी, तो ये बर्तन सारे निकले हुए हैं। पैनकेक्स बनाए थे, खाए थे, वो सारे बर्तन अब दोबारा मुझे धोने हैं। बीच बीच में मेरी नज़र, बीच बीच भी नहीं एक्चुअली, बहुत वेरी ऑफन मेरी नज़र स्क्रीन पर भी जाती रहती है, क्योंकि मेरी बेबी कभी भी उठ जाती है और उठ के बैठ जाती है, एंड शी ओनली वॉन्ट्स टू स्लीप व्हेन आई ब्रेस्ट फीड हर। सो ये एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है मेरे लिए। नॉट दैट आई डोंट एन्जॉय फीडिंग हर, ऑफकोर्स आई डू, लेकिन यू नो उसको ऐसे ही मैं सुला नहीं सकती हूँ, ना ही वो अपने आप से सोती है। तो यहाँ मैं रेगुलरली स्क्रीन पर देख रही हूँ कि वो सो रही है या नहीं। बर्तन भी मेरे यहाँ पर चल रहे हैं, मैं बर्तन धो ही रही हूँ। ऐसा लगता है मुझे कि कम से कम मैं दिन में 4 से 5 बार तो बर्तन मेरे निकल ही आते हैं। घर के छोटे छोटे काम ही एक्चुअली यू नो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। ये एक बहुत अच्छा ब्रश है जो मैंने अमेज़ॉन से रिसेंटली ख़रीदा स्पेशली सिंक को क्लीन करने के लिए। बर्तन धोने के बाद हमेशा मैं कभी भी अपने सिंक को ऐसे ही नहीं छोड़ती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है अगर सिंक ऐसे ही पड़े रहे। तो मैं हर बार जब भी बर्तन धोती हूँ, नॉट एवरी सिंगल टाइम बट जितना मुझसे हो सके, अगर मेरे पास टाइम है तो मैं जब जब बर्तन धोती हूँ तब तक मुझे सिंक क्लीन करना ही होता है। यहाँ पर मैं अपना प्लेटफॉर्म, एक्चुअली मैंने अपनी मॉम से सीखा है कि प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से अच्छे से घस पस के साफ़ करना चाहिए, लेकिन क्योंकि मेरे पास बेबी है अभी छोटी सी,
तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो शॉर्टकट में जितना हो सके मैं उतना प्लेटफॉर्म क्लीन कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक ऑल पर्पज़ क्लीनर लेकर अपने गैस स्टोव को भी क्लीन कर लिया है। पैनकेक्स खाने के बाद, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नहीं थे तो दोबारा से मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है, बट ये फिर भी ब्रेकफास्ट ही मैं इसको कंसिडर करूँगी। प्रॉपर खाना लंच बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो ये रात की बची हुई कुछ खिचड़ी थी, वही मैंने चावल की खिचड़ी, उसी को मैंने गर्म कर लिया है। और मेरी नज़र अभी भी स्क्रीन पर ही जा रही है, वहाँ सामने मैंने स्क्रीन रखा हुआ है चेक करने के लिए कि बेबी अभी भी सो रही है या नहीं। और थोड़ा सा दही मैंने इसके साथ लिया था खाने के लिए। और अब आप देख सकते हैं कि मैं स्क्रीन में देख रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बेबी उठ रही है, और वो फाइनली उठ ही गई और मुझे जाना पड़ा। तो बेबी को दोबारा मैंने ब्रेस्ट फीड करके सुला दिया, और एक बार जब बेबी सो गई तब जाके मैंने अपना लंच, इसको मैं लंच कहूँ या ब्रेकफास्ट कहूँ मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इसको खा रही हूँ अभी। और खाना होने के बाद दोबारा मैं जाऊँगी, और जब तक मैं चली जाती हूँ, मेरी बेबी उठ गई है आप देख सकते हैं, उसको आजकल कैमरा पे आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अब मैं ट्राई कर रही हूँ कि बेबी को भी मैं थोड़ा सा राइस खिलाऊँ। इसको फ़िलहाल प्लेन राइस ही मैं खिलाती हूँ क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना है। अगर मैं उसमें कुछ, मैंने एक दो बार ट्राई किया था इसमें कुछ मिक्स करके इसको खिलाने का, लेकिन फिर इसने वो भी नहीं खाया, और उसके बाद में अगर मैं उसको प्लेन राइस देती हूँ तो वो भी नहीं खाती है। इसलिए मैं जितना हो सके एक्सपेरिमेंट्स नहीं करना चाहती हूँ फ़िलहाल, क्योंकि अभी अभी वो एक साल की हुई है, तो उसको जो पसंद है मैं उसको वही देना प्रेफर करती हूँ। सो प्लेन राइस इज़ व्हाट शी लव्स द मोस्ट एंड दैट इज़ व्हाट आई गिव हर। बीच बीच में मैं उसको थोड़े थोड़े पानी के सिप्स भी दे रही हूँ। बहुत इसको मेहनत करनी पड़ती है खिलाने के लिए, शी इज़ नॉट अ फूडी एट ऑल, एटलीस्ट अभी तो नहीं है। इसका एपेटाइट शायद मेरे और इसके पापा पे गया है, हम दोनों भी बहुत लीन हैं, बहुत स्लिम है, और हमारे भी एपेटाइट बहुत ज़्यादा नहीं है। उसको थोड़ा राइस खिलाने के बाद अब थोड़ा सा प्लेइंग टाइम कर लेते हैं। बुक्स में इसको आजकल बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन ये बुक्स को प्रेफर करती है पढ़ना उसके ऊपर बैठकर। आप देख सकते हैं कि इसको एक जगह पर बिठा के कुछ भी खिलाना या समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑमलेट और ब्रेड गर्म कर लिया है, और मैं चाहती थी कि इसको अभी मैं खाऊँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरी बेबी बिल्कुल भी मूड में नहीं है कि वो मम्मी को अकेला छोड़े ताकि मम्मी खाए। मैंने ब्रेस्ट फीड करते करते ही इसको अपना लंच कर लिया, उसको मैं लंच ही कहूँगी अभी, क्योंकि और तो मैंने कुछ खाया नहीं दिन भर। तो उसको फीड करने के बाद बेबी दोबारा थोड़ा टाइम खेलेगी अभी यहाँ पर, और इसके साथ मुझे भी एक ही जगह पर बैठना पड़ता है कि जब वो खेलती है तो शी वॉन्ट्स अ मॉम अराउंड। अपने आप से ही अभी भी खेल नहीं पाती है, विच इज़ वाई मैं ब्रेकफास्ट लंच कुछ भी ठीक से ना कर पाती हूँ ना बना पाती हूँ। तो खेलने के बाद दोबारा बेबी यहाँ पर सो गई है। इस वक्त शायद मेरे ख्याल से टाइम हुआ था अराउंड 2:30 के आसपास, या नो आई एम सॉरी 5 o'clock यहाँ पर बज गए थे। और मैं सोच रही थी कि इवनिंग स्नैक में कुछ अलग सा बनाऊँ, तो यहाँ पर मैंने बस थोड़ा सा अनियन, कैरेट और कैप्सिकम लिया। अनियन और कैरेट को मैंने ग्रेट कर लिया है, और कैप्सिकम के बहुत ही स्मॉल पीसेस में मैंने इसको कट कर लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा दही ऐड करूँगी और थोड़ा सा सूजी यानी कि रवा मैं इसमें ऐड करूँगी, पानी मिक्स करके उसको एक बैटर के जैसे बना लूँगी, लाइक रवा उत्तपा आप इसको बोल सकते हैं। थोड़ा सा सॉल्ट इसमें मैंने ऐड कर लिया, और ये शाम के ब्रेकफास्ट के लिए है हमारा। ये मॉर्निंग टू इवनिंग का मेरा रूटीन का वीडियो है, तो इसको मैं कैसे बना रही हूँ ये वो और मेरे डिनर के जो भी प्लान्स है वो मैं इस वीडियो में शेयर नहीं करूँगी, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। अगर आप देखना चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं, लेकिन मेरे मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन में बस यही है, दिन भर बस किचन के काम करो, थोड़े बहुत घर के काम करो, बेबी को संभालो, उसका खाना देखो, अपना जो भी पॉसिबल हो सकता है वो बनाओ खाओ, और बस सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। अभी आप घड़ी में वहाँ पीछे भी देख सकते हो कि 5 o'clock बज चुके हैं, और बेबी अभी अराउंड 6:15 तक तो सो ही जाएगी, और उसके बाद में इसको थोड़ा सा स्नैक खिला के और मैं भी थोड़ा सा चाय नाश्ता करके तब तक इसके पापा आ जाएंगे, और फिर हमारा इवनिंग रूटीन वहाँ से शुरू हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है मेरा मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आई विल रियली अप्रिशिएट अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइज़।